Hey there guys, welcome back to the new video। तुम सबको बता भी कल या परसों ही डार्केस्ट जी आर कंप्लीट होने को आया है और उसी के साथ हम लोग को फाइनली देखने मिल चुका है एश का लुकारियो एंड गो का सिंड्रेस फाइनली एंड दे आर ऑसम एज हेल मैन। मैं क्या बताऊँ, तुम लोगों ने अगर पोकेमॉन जर्नीज फॉलो करते हो तो तुम्हें डेफिनेटली पता है, लेकिन आज हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अपकमिंग एपिसोड्स की समरी के बारे में एंड स्पेशली एपिसोड 48, क्योंकि वो उस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है एंड तुम बस मजे ही आ जाएंगे तुम्हें उसकी समरी सुन के। एंड डोंट वरी, कोई स्पॉयलर्स नहीं होते, ये बस समरी होती है जो कि खुद पोकेमॉन कंपनी प्रोवाइड करती है ताकि तुम्हें बेसिकली पता चल सके उस एपिसोड में क्या होने वाला है। इतना तो चलता ही है, कोई स्पॉयलर्स नहीं होते, तो तुम स्पॉयलर फ्री वीडियो सोच के देख सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, हमेशा की तरह 4500 लाइक्स है, तुम लोग कर सकते हो यार। सो विदाउट बीइंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं तुम्हें पहले कुछ टाइमलाइंस बता देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैं समरीज देने वाला हूँ, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड समरी 46 एंड 47 को, जो कि होंगे 2 मिनट से 3 मिनट तक 46 एंड 3 मिनट से 4 मिनट तक 47, और उसके बाद से मेन वीडियो स्टार्ट होने वाली है। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो 46 एंड 47 एपिसोड की समरी में तो वो भी देखो। एंड बाय द वे तुम्हें देखना ही चाहिए क्योंकि वो एपिसोड्स भी 46 में म्यूटू आने वाला है एंड वो म्यूटू रियल वाला म्यूटू है जो कि हम लोगों ने म्यूटू स्ट्राइक बैक पहली वाली मूवी में देखा था, और ये पोकेमॉन कंपनी ने कंफर्म कर दिया है, लिटरली कंफर्म। तो या अब तुम वीडियो को ध्यान से देखो हर एक सेगमेंट, क्योंकि हर एक एपिसोड अपने में सुपर है एंड यू कांट जज यार, पोकेमॉन जर्नी इज काइंड ऑफ मास्टरपीस और धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करते जा रही है। देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या अपडेट देखने को मिलते हैं। सो यार अब फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं पोकेमॉन जर्नी एपिसोड 46 की समरी के साथ, जो कि 20th नवंबर को आने वाला है एंड उसके टाइटल में म्यूटू कमबैक्स लिखा हुआ है, जो कि डेफिनेटली टारगेट करता है कोई ऐसा म्यूटू जो कि वापस आने वाला है। बट इसी के साथ पोकेमॉन कंपनी ने ये चीज़ खुद ही कंफर्म कर दी कि या ये वही वाला म्यूटू है जो कि हम लोगों ने म्यूटू स्ट्राइक बैक वाली मूवी में देखा था। तुम लोगों ने सही गेस किया, वो पहली मूवी जो आई थी पोकेमॉन वाली, वही वाली। अगर जो तुम मैं समरी दिखा रहा हूँ तुम्हें, अगर उसके नीचे वाले लास्ट वाले पैराग्राफ पे फोकस करो तब तुम्हें साफ साफ क्लियर आउट होता हुआ दिख जाएगा कि या वो वही म्यूटू है जो कि म्यूटू स्ट्राइक बैक में देखने मिला था। तो इसका क्या मतलब है, क्या वो म्यूटू ऐश को याद रखेगा, ये तो हम लोग को वही एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। बट तुम लोग को पता होगा कि गो और ऐश कैचम जो है उनको सेंस होता है एक साइकिक एनर्जी जो कि एक आइलैंड से आती है, एंड तुम सबको पता है कि गो जो है वो म्यू के पीछे एकदम फिदा है। तो बेसिकली वो लोग म्यू को पकड़ने चाहते हैं, बट उनको क्या पता था उनका सामना जो है वो म्यूटू से हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग को लुकारियो और सेंट्रस की म्यूटू के साथ फाइट देखने मिलने वाली है 20th नवंबर को। क्या तुम लोग को पता है जो पोकेमॉन जर्नी का एपिसोड 47 आने वाला है, वो आने वाला है 20th नवंबर को, और इसके साथ हम लोग को टाइटल में पता चलता है ये कोई खाने का कंपटीशन है या कौन सबसे ज़्यादा खा सकता है। और बेसिकली इसमें एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं पोकेमॉन के अंदर जो कि काफ़ी बड़े कॉमेडियन है, और इसी के साथ तुम लोग समझ सकते हो ये वाली जो एपिसोड होने वाला है ये स्पेशली आज तक का पोकेमॉन का सबसे ज़्यादा फनी एपिसोड होने वाला है। तो मिस मत करना यार, मज़े ही आ जाएंगे एपिसोड देखकर। और ये एपिसोड होने वाला है वर्मिलियन सिटी पे, इसकी जगह ली जाएगी। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ये होशिगारी शू क्या होता है, तो बेसिकली ये गो का जो स्कोवेट है वो शायद से गो उसके साथ पार्ट लेगा इस कंपटीशन में। एक छोटा गिलहरी कितना खा सकता है यार। और इस वाले पोकेमॉन का नाम है ब्लेजिकेन, जो कि बेसिकली उस चैम्पियन का उस पूरे टूर्नामेंट का चैम्पियन है। और स्नोलैक्स जो है बेसिकली जो ब्लेजिकेन से लड़ाई करने वाला है, मतलब उसको चिढ़ाने वाला है। तो देखते हैं एपिसोड कितना फनी हो सकता है और कितना एंटरटेन कर सकता है अपने फैंस को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोकेमॉन जर्नी एपिसोड 48, जो कि 4th दिसंबर को आने वाला है, जिस पर पिकाचू तुम लोग टाइटल में देख सकते हो, और ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि ये एपिसोड स्पेशली ऐश के पिकाचू पे बेस्ड होने वाला है। एंड अगर तुम लोग समरी पे फोकस करना चाहो तो ये रही समरी, जहाँ पे ऐसा लिखा जा रहा है कि सातोशी और गो जो है वो ह्यून सिटी में जाने वाले हैं इशू रीजन के। और अगर तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ह्यून सिटी क्या है और इशू रीजन क्या है, तो बेसिकली ये एक सिटी है जो कि उनोवा रीजन में लाई करती है। सो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को उनोवा रीजन में देखने मिलने वाला है। एंड इस एपिसोड में हम लोग को ऐश के लुकारियो और गो के सेंड्रस की जुगलबंदी देखने मिलने वाली है, जहाँ पे वो पिकाचू को बचाएंगे। और इसके साथ हम लोग को टाइटल में ये भी फोकस कर सकते हैं कि जो ऐश है वो बेसिकली अपने पिकाचू को भूल गया है पता नहीं कैसे, और पिकाचू को किडनैप कर लिए हैं टीम रॉकेट, और कुछ अजीब सा होता है पिकाचू के साथ, और ऐसे काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं जिसमें वो एक न्यू मूव सीखने वाला है। तो चलो इन सब के बारे में अब डिस्कस करते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है और ऐसी पोकेमॉन जर्नी रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है एंड थ्योरीज एंड ऑल अबाउट पोकेमॉन, तो बेसिकली तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सामने वाले बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग यार। एंड जहाँ तक मेरे गेस्ट कहते हैं, ये होगा पिकाचू और ऐश की फ्रेंडशिप पे स्पेशली एपिसोड बेस्ड होने वाला है। एंड रिसेंटली हम लोग को एपिसोड देखने मिला था ऐसी कुछ जहाँ पे पिकाचू इवॉल्व होने वाला था एंड काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे हैं। रूमर्स क्या यार, ऑलमोस्ट ऐसे काफ़ी सारे हिंट्स आ रहे हैं कि जो अपना ऐश का पिकाचू है वो न्यू मूव सीखने वाला है। तुम सबको पता है कि जिसमें ऐश का पिकाचू को न्यू मूव सीखता है उस एपिसोड में दुनिया भर के ड्रामे होते हैं। लाइक जब वो आयरन टेल सीखा था तब तुम्हें पता है कितने ड्रामे हुए थे, जब वो इलेक्ट्रो वेब सीखा था तब तुम्हें पता है कितने ड्रामे हुए थे, एंड अभी तक का पिकाचू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है उसका इलेक्ट्रो वेब। बट शायद से अब न्यू मूव जो पिकाचू सीखने वाला है वो सारे मूव्स को सरपास कर लेगा पिकाचू के आज तक के, और वो वन ऑफ द सुपर मूव होने वाला है। आई एम टोटली एक्साइटेड अगर ऐसा कुछ देखने मिलता है। एंड तुम लोग बताओ यार, तुम लोग का क्या ओपिनियन है, क्योंकि ऐसा अगर सच होता है कि ऐश को न्यू मूव सीखने वाला है, ऐश का पिकाचू बेसिकली, सो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। ऑफ कोर्स उसको इस बार चैंपियन को हराना है, किसी लुल्लू पुल्लू ट्रेनर को नहीं। तुम लोग को पता ही होगा भी कुछ दिन पहले की बात है, शायद से एपिसोड 38 में भी, जहाँ पे ऐसा सीन बनाया गया था पोकेमॉन कंपनी के थ्रू कि वहाँ पे वो लोग पिकाचू को इवॉल्व कर देंगे, ऐसा कुछ तुम्हें याद ही होगा, मतलब थंडरस्टोन का। लेकिन लास्ट में पता चला था कि वो आखिरकार गोगा पिकाचू था, जो कि मैंने शायद से सही गेस किया था। तो उसी की तरह ये वाला जो एपिसोड है ये भी TR बेस्ड होने वाला है, जहाँ पे जो ऐश का चम है वो पिकाचू को भूल जाएगा और पिकाचू शायद से किसी रीजंस के कारण न्यू मूव सीखेगा और ऐश का लुकारियो और सेंट्रस उसको बचाएंगे। और बेसिकली इस पूरे एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी होने वाला है, आखिरकार टीम रॉकेट है बॉस, तो कुछ ना कुछ तो कॉमेडी करेंगी। बट तुम लोग के क्या ओपिनियंस है तुम लोग मुझे बता सकते हो, और तुम लोग को पता होगा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइप के एपिसोड्स को TR बेस्ड कहा जाता है, जहाँ पे पोकेमॉन कंपनी अपने TRP जो है वो वापस से मेंटेन करती है। लाइक रिसेंटली उन्होंने पिकाचू वाला केस जो किया था उस एपिसोड की TRP सारे एपिसोड से ऊपर थी, और उसी तरह मुझे लगता है ये वाला एपिसोड जो होगा ये भी TRP बेस्ड होने वाला है। लेकिन तब भी यार, आखिरकार किसको पसंद नहीं है ऐश और पिकाचू की फ्रेंडशिप वाला एपिसोड देखना। और मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लोग को पिकाचू का कोई रिलेटिव देखने मिले, उसका भाई बंधु। लाइक तुम लोग को पता ही है पोकेमॉन जर्नी में पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, इवन फर्स्ट एपिसोड में ही हम लोग को पिकाचू की बैक स्टोरी देखने मिली थी, जहाँ पे ऐसा बताया गया था जब वो पिकाचू था वो काफ़ी अकेला था। और क्या पता हम लोग को ऐसा कुछ देखने मिले इस एपिसोड में, लाइक ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग को डिट्टो पिकाचू जैसा कुछ देखने मिला है, जिसके कारण ऐश भी कन्फ्यूज़ हो गया है कि वो क्या है। तो देखते हैं यार एपिसोड में क्या क्या हम लोग को देखने मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पिकाचू हुआ या फिर जो भी होगा ये कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल रोल करने वाला है आगे के एपिसोड्स में, या फिर शायद से उसकी जर्नी इतने एपिसोड तक ही हो। लाइक पोकेमॉन जर्नी काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो कुछ भी एकदम 100% गेस कर लेना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट इतना ज़रूर है कि इस एपिसोड में हम लोग को ऐश और पिकाचू की फ्रेंडशिप देखने मिलने वाली है, और इसके ज़्यादा हम लोग को लुकारियो और सेंट्रस की फाइट का वेट रहेगा। तो देखते हैं एपिसोड में हम लोग को क्या क्या देखने मिलने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप सो मैंने तुम लोगों को जितने भी समरीज समझाए हो, अगर वो तुम्हें तब भी समझ नहीं आए होंगे तो शायद से मैं उस समरीज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो शायद से तुम वहाँ पे भी पढ़ पाओ। एंड बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि अगर शायद से अगर फ्यूचर में कोई और अपडेट्स आए तो मैं तुमको सबसे पहले बता पाऊँ, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेंगी वीडियो की, इसलिए कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। एंड बाय द वे सब्सक्रिप्शन फ्री होता है यार, कर दो। एंड अपने ओपिनियन जरूर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें क्या लगता है वो एपिसोड में क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं। एंड पोकेमॉन फैंस वीडियो को लाइक करो, जल्द से जल्द वीडियो का टारगेट पूरा कर दो 4500 लाइक्स। बट तब भी मैं म्यूटू वाला एपिसोड को ज़्यादा प्रेफर करूँगा देखना, बट स्टिल वो खाने वाला एपिसोड भी अपने में ऑसम है और पिकाचू वाला एपिसोड भी अपने में ऑसम है, तो तभी मैंने कहा था कि हर एक एपिसोड बहुत मस्त है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पोके को इसका आंसर दे दो, तुम्हारे सामने है, मिलता आप किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमेशा की तरह। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।